आज यहाँ किस तरह की प्रतियोगिता? आज फिरोजाबाद के अंदर बच्चू बाबा सरस्वती शिशु मंदिर में मोइथाई एसोसिएशन के नाम से एक संस्था ओपन हुई है, जिसका फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप का फाइट यहाँ चल रही है। ये एक फ्री स्टाइल मार्शल आर्ट का एक हिस्सा है, जिसके अंदर जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, लात, घूसा सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इस टाइप की स्ट्रीट फाइट एक तरह से बोली जाती है, उसका यहाँ आज ये प्रोग्राम चल रहा है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मुई थाई एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के द्वारा पहली बार हमारे फिरोजाबाद में रामायण काल से जिस कला को एक युद्ध के रूप में देखा जाता है, ऐसी एक कला मुई थाई के नाम से यहाँ फिरोजाबाद में शिवम शर्मा मुई थाई के एसोसिएशन के कोच भी हैं और उसके साथ साथ सचिव भी हैं। उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था फिरोजाबाद जनपद के जो युवा हैं उनके लिए की है। इस संस्था को ओलंपिक उत्तर प्रदेश से जोड़ने का काम किया है, जिससे यहाँ के जो गेम खेलने वाले छात्र छात्रा होंगे उनको आगे जाने का भी अब मौका मिलेगा। इसी तरह से 2 दिवसीय एक कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, कल से ये कार्यक्रम चल रहा है, आज इसका फाइनल राउंड हो रहा है। अभी ही हम लोग जो भी स्टूडेंट इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उन लोगों को भी प्राइज दिया जाएगा, आगंतुक अतिथि जो हैं उनका सम्मान भी होगा। और मैं संस्थापक होने के नाते यहाँ आए सभी अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जितने भी लोग बाहर से यहाँ फाइट चैंपियनशिप में प्रतिभागी आए उनका भी आभार। किस तरह की कुश्ती है और आपने चैंपियनशिप जीती है, इसमें आप लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, ये मुई थाई बॉक्सिंग है। हाँ, बेसिकली ये थाईलैंड से है, थाईलैंड का नेशनल गेम, और हम इंडिया में भी काफ़ी डेवलप हो चुका है, और नाउ कमिंग 2024 में ओलंपिक्स में ये गेम खेला जाएगा। फर्स्ट टाइम होगा ये, जो कोई भी प्लेयर विन होगा कि ही विल बी द फर्स्ट वन जो मुई थाई में चैम्पियन होगा ओलंपिक्स में। एंड नाउ गेम है ये पौराणिक समय से लिया गया है, एट द टाइम ऑफ रामायण, तो ये प्राकृतिक गेम है। और नाउ ये मूवमेंट हमारी बॉडी में खुद ही होता है, बस हम पहचान नहीं पाते और थोड़ी ट्रेनिंग के बाद हमें ये दिखने लगता है। थैंक यू। मैं इस गेम से ये चाहती हूँ कि लड़कियाँ आएँ और इसको सीखें। ये बहुत ही अच्छा गेम है, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ गेम है। चाइनीज़ कल्चर के गेम को प्रमोट करना कोई अच्छी बात नहीं है, बिकॉज़ ये अपना इंडियन गेम है। इसको प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ इसको सीखें। इसमें नी, एल्बो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा काम में आती हैं, जिसको हम मार के ओनली पॉइंट कमाना नहीं है, हम उससे उनको अच्छी तरीके से मार सकते हैं, तो ये डिफेंस में बहुत काम में आती है। मैं रीना सिंह हूँ और मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट भी रही हूँ, नेशनल गोल्ड भी रहा है मेरा, और अभी क्रीड़ा भारती की प्रेस प्रांत उपाध्यक्ष हूँ। आज ये मुथाई जो आर्ट है, मार्शल आर्ट है, ये बेसिकली रामायण के पात्रों के अनुसार ही इसकी रचना की गई है। भले ही चाहे थाईलैंड का खेल है ये, लेकिन हम लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मूल रूप से जो हमारे रामायण भारतीय पात्र थे उनको आधार रख करके इस मार्शल आर्ट का उदय हुआ है। तो भारत में भी ये बच्चों में, बच्चियों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे अपनाएं, आगे बढ़ाएं, और बेटियां इसे अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती हैं, अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकती हैं, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर डेवलप हो सकता है।